हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए मैंने ना ये वाला डिज़ाइन, आप देखिए, मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजा था, उसके लिए मैंने ये उंगली से ये डिज़ाइन बनाना बताया था कि हम उंगली से कैसे बनाएंगे। तो ये इक्वल नहीं आ रहा था, मुझसे सबने कहा कि नहीं ये इक्वल चाहिए, एकदम परफेक्ट वाला उंगली से भी ये इक्वल आ रहा था, लेकिन हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं बन पाता है। तो मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनसे ये मैंने जो उंगली से बनाया था वो सही नहीं बनता है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखिए मैंने उसके लिए कुछ चैन ले ली हैं, आपको जो बनाना है आप वो चैन लेके, और मैं इसमें डबल क्रोशिया बनाती जा रही हूँ। ये आपने देख लिया है, इसमें मैं डबल क्रोशिया ये बनाती जा रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स, आप लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। देखिए ये क्रोशे का नंबर है 2.75 mm। और अब मैं आपको ये स्केल से बनाना बताऊंगी। जिनसे उंगली से सही नहीं बन पा रहा था, मैं उनके लिए ये स्केल से बनाना लाई हूँ। तो स्केल से बनाने के लिए देखिए मैंने पहले ये सिंपल क्रोशिया बना लिया है, और सिंपल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने ये देखिए स्केल पे इस तरह से लिए। आपने देखा ना, जब आप देख के ही आसानी से समझ जाएंगे, ये भी बहुत आसान है। और ये हमने सिंपल क्रोशिया बना लिया, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये ऐसे लिया, ये हमने जो स्केल है उसके नीचे से हमने उसके ऊपर से ऐसे निकाल लिया है, और हम ये अगली चैन में ये डालेंगे, और ये ऐसे करके हम सिंपल क्रोशिया इसमें बना देंगे। आप देख के ही आराम से समझ जाएंगे। फिर से ये ऊन लेंगे और ये जो ये स्केल है इसके ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे, और अगले वाली चैन में डाल के हम फिर से सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से कितना आसान है बनाना। हाँ फ्रेंड्स, अगर ये हमारे इस पे से उतर भी जाते हैं तो इसमें ना ये ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत टाइट हो चुके होते हैं, और ये हम ऐसे ही उतर भी जाएंगे तो निकलने के बाद भी हमारा है ना ये निकाल सकते हैं पीछे की साइड से। जैसे हमारा आगे की साइड बड़ा होता जाए तो हम पीछे की साइड से निकालते जाएंगे। तो देखिए आपने देखा, मैंने ये स्केल लिया, स्केल के पीछे से ऐसे निकाल के हमने ये पूरा बना लिया। ऐसे ही हम हर एक चैन में डालते हुए पूरा बना लेंगे। अब ये मैं स्केल निकाल देती हूँ, आप साथ साथ भी ये निकाल सकते हैं फंदे, उसमें भी है ना आराम से ये हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा पूरा हो गया है, क्योंकि हमें ना ये हमारे कम चैन है तो ये है ना पूरा स्केल आ जाता है। लेकिन अगर हमारी ज़्यादा चैन होंगी, जैसे हम टॉप में लेंगे ज़्यादा चैन, तो उसके लिए हम ये स्केल पे से निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया है, दूसरी चैन लाइन बनाने के लिए हमने तीन चैन ले ली, और अगली ये देखिए फर्स्ट चैन में डालते हुए हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया। ऐसे ही हम पूरी लाइन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। प्रोसीजर सेम है जो मैंने पहले बताया है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये देखिए ये एकदम स्केल के नाप का आया है। अब हमने ये वाली लाइन पूरी कर ली थी, अब हम इसकी आगे वाली लाइन में फिर से स्केल पे करेंगे। तो ये आप एक बार और देख लीजिए ध्यान से, ये स्केल पे हमने ऐसे ऊन ली, और ये देखिए आगे वाली चैन में डाला, और यहाँ पे ये निकाल के सिंपल क्रोशिया बना लिया। फिर हमने ये ऊन ली, ये स्केल पे से इस तरह से लिया, और अगली चैन में डाल के हमने सिंपल क्रोशिया बना लिया। ऐसे ही हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे, आप देख के भी आराम से समझ सकते हैं। ये जो टॉप होता है या फिर हम स्वेटर बनाएंगे उसका जो लुक आएगा ना, वो एकदम रेडीमेड जैसा आता है, एकदम ऐसा लगता है कि रेडीमेड लुक वाला होता है जो टॉप, वो अच्छा लगता है। और सर्दियों में तो ये पहन के बहुत ही सुंदर लगता है, एकदम स्टाइलिश सा लगता है। तो आप देख लीजिए मैं ये ऐसे ही स्केल पे से ऐसे निकाल रही हूँ, और अगली चैन में डाल के सिंपल क्रोशिया बना रही हूँ। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए मैं स्केल निकाल देती हूँ, ये एकदम स्केल के नाप का परफेक्ट बना है। जिससे उंगली से नहीं बनेगा उसके लिए ये बहुत अच्छा है, वैसे उंगली से भी आसानी से बनता है, आपको पता ही है, आप मैंने पहली वाली वीडियो देख ही ली होगी। तो देखिए ये हम, अगर हमें छोटा बनाना है तो हम इस तरह से बना लेंगे।
हम स्केल से बनाएंगे। लेकिन अगर हमें ये बड़ा करना है तो ये जो मोबाइल का कवर होता है ना, हम इससे ये वाली चीज़ें बनाएंगे। नहीं तो जो हमारे विजिटिंग कार्ड्स होते हैं ना, उनसे भी बना सकते हैं। बस उसमें क्या करेंगे कि ये वाले जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है, इसकी हम दो लाइनें बनाएंगे। एक हमने इसमें एक लाइन बनाई है, हम अगर हम मोबाइल कवर या फिर विजिटिंग कार्ड से बनाएंगे उसमें हम दो लाइनें बनाएंगे। तो देखिए ये कितना अच्छा सा बन के पूरा तैयार हो गया है, और इसमें ना बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको इसमें ना टॉप या वो देखना है तो मैं आपको बना के वो भी बता दूंगी। तो देखिए ये एकदम अच्छे से पूरा बन के तैयार हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको है ना मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसमें बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर